बनाने वाले हैं सूजी का हलवा। सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने बहुत कम चीज़ों का इस्तेमाल किया है। ये बहुत अच्छा बना है, इस खाने में इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप इसे एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सभी को बहुत पसंद आएगा। आइए देखते हैं सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया। यहाँ मैंने एक कप सूजी ली है, ये मैंने बारीक वाली सूजी ली है, आप मोटी सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कप मैंने चीनी ली है, मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर सूजी पकने के बाद फूल जाती है तो एक कप चीनी इसके लिए बराबर है। ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, एक कप मैंने देसी घी का इस्तेमाल करूंगी, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैंने एक कढ़ाई रख ली है, अब मैं गैस ऑन कर लूंगी। पैन अच्छे से गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें घी ऐड करूंगी। अब देख सकते हैं हमारा घी जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें सूजी ऐड करूंगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैंने गैस की फ्लेम को लो ही रखा है, मैंने लो फ्लेम पे ही हमें सूजी को अच्छे से भूनना है ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आए। अब देख सकते हैं सूजी अच्छे से अब देख सकते हैं हमारी सूजी जो है वो अच्छे से भून चुकी है। अब मैं दूसरे गैस पे एक पैन रख दूंगी। अब मैं एक कप सूजी के लिए 1.5 गिलास पानी यूज करूंगी। पानी को हमें बॉईल नहीं करना है, बस हल्का सा गुनगुना करना है। अब मैं इसमें शुगर ऐड कर दूंगी। पानी को हमें बॉईल नहीं करना है, बस हल्का सा गर्म करना है ताकि जो हमारी शुगर है वो इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। मैंने एक चुटकी फूड कलर लिया था और इसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसका एक पतला घोल बना लिया है। अब इसे भी मैं पानी में मिक्स कर दूंगी ताकि हमारे रवे में एक अच्छा कलर आ जाए। देख सकते हैं हमारा सूजी जो है वो अच्छे से भून चुका है। आप चाहे तो अब दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं यहाँ आज पानी में ही सूजी का हलवा बनाऊंगी। सूजी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर दूंगी। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी जो चीनी है वो भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी। अब मैं इसमें 2 इलायची भी ऐड कर दूंगी। सॉरी मैं आपको इलायची नहीं दिखा पाई, मैं भूल गई थी, इसीलिए मैं अब इसमें इलायची ऐड कर रही हूँ और मैंने इलायची को खोल कर इसमें ऐड किया है। इलायची ऐड करने से इसमें खुशबू है वो बहुत अच्छी आती है। अब सभी चीज़ें अच्छे से पक चुकी है, हम पानी ऐड करेंगे जो हमने बना कर रखा था। और इसे मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है और हमें ऐसे ऐसे ही चलाते रहना है ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। गैस की फ्लेम को अब मैंने हाई किया है। अब देख सकते हैं सारा पानी जो है वो अच्छी तरह से सूख चुका है। अब मैं इसको ढक के रख दूंगी 4 मिनट के लिए स्लो आंच पे। 4 मिनट हो चुके हैं, आइए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। अब देख सकते हैं हमारा हलवा है बहुत अच्छे से पक चुका है। देख सकते हैं एकदम दानेदार पका है हमारा हलवा। आइए अब हम इसे सर्व कर लेंगे। अब देख सकते हैं बनके तैयार है हमारा सूजी का हलवा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।